कांग्रेसियों ने दिल्ली में दी गिरफ्तारी। नमस्कार, मैं हूं रश्मि पांडे और आप देख रहे हैं हापुड़ हलचल। अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूले। हापुड़ से खबर है, कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी व राहुल गांधी पर ईडी की कार्यवाही के विरोध में हापुड़ के कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने दिल्ली में जमकर हंगामा किया, जिसके बाद पुलिस को उन्हें गिरफ्तार करना पड़ा। भाजपा पर द्वेष भाव का आरोप लगाते हुए नारेबाजी, इस दौरान अधिकारियों से उनकी नोकझोंक भी हुई। जिलाध्यक्ष मिथुन त्यागी के नेतृत्व में कांग्रेसी दिल्ली रवाना हुए। प्रदर्शन के दौरान मिथुन त्यागी ने कहा कि भाजपा सरकार हर मुद्दे पर फेल है। कश्मीर में देश की मुख्यधारा से जुड़े लोगों को टारगेट किलिंग कर मारा जा रहा है। कश्मीर से लोग पलायन कर रहे हैं लेकिन केंद्र में बैठी सरकार मौन है। आज केवल कांग्रेस पार्टी ही देश हित में ज्वलंत मुद्दों को उठा रही है, जिससे घबराकर केंद्र सरकार दमनकारी नीतियों को अपना रही है। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता व पीसीसी सदस्य सतीश शर्मा ने कहा कि भाजपा की गलत नीतियों के कारण देश सांप्रदायिक झड़पों से झुलस रहा है। कांग्रेस पार्टी का हर कार्यकर्ता देश हित में देश व पार्टी के साथ है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने देश के लिए कुर्बानियां दी हैं, अपने नेता के लिए भी कुर्बानी दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि हर मुद्दे पर फेल भाजपा सरकार देश में सद्भाव बिगाड़ने पर तुली, लेकिन देश की जनता अब जाग चुकी है। अब द्वेष भाव के कारण ही सोनिया गांधी व राजीव गांधी के खिलाफ ईडी की कार्यवाही कराई जा रही है। कार्यकर्ता इस कार्यवाही को बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके अलावा देश में बढ़ता अपराध, सुरक्षा और बढ़ती महंगाई आम जनता के लिए खतरा बने। कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए अपनी गिरफ्तारी दी। इस दौरान पुलिस के साथ ही कार्यकर्ताओं की झड़प। इस मौके पर राज गुज्जर, राकेश शर्मा, रविंद्र, उपेंद्र, शाबास, नरेंद्र भाटी, नरेश भाटी, उमेश वाल्मीकि, जस्सा सिंह, दीपक मोके, यशपाल सिंह, सुखपाल गौतम आदि मौजूद रहे। बहरहाल इस खबर को लेकर आपका क्या कुछ कहना है कमेंट में जरूर बताएं और देखते रहें हापुड़ हलचल।